नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं के न्यूज। आइए पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। बैजनाथ में शर्मसार हुई ममता, नवजात बच्ची को फेंका झाड़ियों में, पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर शुरू की छानबीन। अपनों के इंतजार में वृद्धाश्रम बगरोटू के बुजुर्ग, मदर्स डे पर माताएं ताकती रही अपने लाडलों की राह। सेना प्रमुख जनरल बीके सिंह 25 मई को आएंगे धर्मशाला, रिटायरमेंट से पहले देवभूमि के वीरों को करेंगे सम्मानित। और मंडी में जेबीटी प्रशिक्षुओं का आंदोलन जारी, कहा टेट की परीक्षा ही दिलवानी थी तो जेबीटी का कोर्स क्यों करवाया। और अब खबरें विस्तार से। मदर्स डे पर बैजनाथ में एक मां का कलेजा इतना कठोर हो गया कि उसने अपनी ही नवजात बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। मदर्स डे के दिन घटी इस घटना ने एक बार फिर से देवभूमि को शर्मसार होने पर मजबूर कर दिया है। पुलिस ने नवजात बच्ची के शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। क्या इतना बुरा हूं मैं मां? जिस बच्ची को यह तक मालूम नहीं कि मां क्या होती है, उसे उसकी मां ने पैदा होते ही मौत के घाट उतार दिया। अभी इस नवजात बच्ची ने अपनी आंखें भी नहीं खोली थी कि इसे हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया। बैजनाथ में एक मां ने जो काम करके दिखाया, शायद कोई दुश्मन के बच्चे के साथ भी ऐसा करने की नहीं सोच सकता। जब सारी दुनिया मदर्स डे की खुशियां मना रही थी, तो उस समय बैजनाथ में माहौल गमगीन हुआ पड़ा था। जैसे ही लोगों को घटना का पता चला, उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। साथ में और रास्ते में बंदर थे और हम वापिस आ रहे हैं, हम दूसरे रास्ते में चलते हैं, मैंने इसको ऐसे बोला। और बंदर थे वो, और हम इसने बोला बोला सू सू करता, इसको सू सू लग रहा, यहाँ पर बैठ गया। इसने बोला जो लेके अंदर क्या है, मैंने बोला ऐसा ही होगा कुछ, इसने बोला चल खोल के देखते ला, और ये खोलने लगा ना, और उसने बोला तू खोल बोले, मैंने खोला और इसके पैर दिखा और हमने यहीं पर रखे और नीचे लगे हम बताने। फिर इसके पापा को बोला हमने, इन्होंने बोला बोला चलो पुलिस को करते फोन बोला। नवजात शिशु बच्ची जो है, जो किसी ने और किसी नामन औरत ने वहाँ फेंका है, जिस पर जो है पुलिस मौके पर गई और मौके पर जाकर जो है लड़की को एक लाल शॉल के में लपेटी हुई थी और जो ताजी ही पैदा हुई लगती थी। क्या इतना बुरा हूँ मैं मां? पुलिस ने नवजात बच्ची के शव को कब्जे में लेकर इसका पोस्टमार्टम करवाकर और ब्लड सैंपल लेकर उस कठोर मां की तलाश शुरू कर दी है जिसने ऐसा जघन्य अपराध करने की हिम्मत जुटाई। पुलिस ने लाल रंग के शॉल और घटनास्थल से कुछ सबूतों को जुटाकर धारा 318 के तहत मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। उसे पोस्टमार्टम के लिए नजदीक अपने बैनाथ हॉस्पिटल में रखा गया है, जिसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसका ब्लड सैंपल लेकर रखा जाएगा। और जिस औरत ने ऐसी बच्ची को पैदा होते ही फेंक दिया है, उसके बारे में भी छानबीन की जाएगी, तथा जैसे ही पता चला गया तो उसका जो है जिसमें पता चलेगा तो उसे गिरफ्तार कर किया जाएगा, तथा जिस पर मुकदमा जो है ITC की धारा 318 में दर्ज किया गया है, जिसकी तफ्तीश जारी है। यूं तो सरकार ने बेटी है अनमोल और बेटी बचाओ जैसे कई अभियान चलाए हुए हैं, लेकिन इस तरह की वारदातों से पता चलता है कि लोग अभी भी जागरूक नहीं हो पाए हैं और उनमें ऐसी घटनाओं को अंजाम देने का भी कोई खौफ नहीं। के न्यूज के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। और मदर्स डे पर के न्यूज ने वृद्धाश्रम में रहने वाले उन माता पिता के दर्द को जानने की कोशिश की जिन्हें उनके बच्चों ने घर से बेघर कर दिया है। हालांकि वृद्धाश्रम में रहने वाले कई बुजुर्ग ऐसे भी हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं, लेकिन सवाल ये है कि जिन्हें उनके बच्चों और परिवार वालों ने ठोकरे मार कर घर से निकाला, उनका क्या कसूर। सब कुछ मिल जाता है लेकिन किसी
शख्स ने बड़ा खूब लिखा है कि माँ बाप मिलकर सात बच्चों को तो पाल सकते हैं, लेकिन सात बच्चे मिलकर माँ बाप को नहीं पाल सकते। इस बात का जीता जागता उदाहरण देखने को मिलता है वृद्धाश्रम भंगरोटू में, जहाँ रहने वाले ये बुजुर्ग हर आहट में सिर्फ अपनों का ही इंतजार करते रहते हैं। वृद्ध आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों ने भी बड़े लाड़ प्यार के साथ अपने बच्चों की परवरिश की और उन्हें इस काबिल बनाया कि वह बुढ़ापे में उनका सहारा बनेंगे। लेकिन बड़ा होते ही उन बच्चों का ईमान कुछ इस कदर डगमगाया कि आज इन बुजुर्गों को वृद्ध आश्रम का सहारा लेना पड़ रहा है। तो अपने बेटे ने भी आपकी केयर नहीं की गई, यहाँ भेज दिया आपको? बेटा ठीक है, संसार एक सराय है, आते जाते मुसाफिर आते जाते रास्ते में छोड़ जाते हैं, कहाँ पैदा होता है कहाँ जाता है। आपको घर से किन कारणों से निकलना पड़ा? जादू जलन थे जी, कहिए मेरे लिए कोई रोटी घर में, और तक मेरी रोटी ना पूछे, कोई बात ना करे, पूरा परिवार में साथ बात ना करे। थोड़ा बहुत उसको एड मिल गई थोड़ी के, मेरे पिता ने पत्नी के नाम पर जो प्रॉपर्टी थी वो सारी लगा ली। पहले माल का था, फिर नौकर बना, फिर ठोकर लग गई कि भाई तू काम। लेकिन हमारी समझ में ऐसा आया कि राम और काम दोनों इकट्ठे नहीं रहते, हम राम भजन करते थे, हम वो उनको मजबूर नहीं था। मेरे घर वाले कराए थे, धर्मपुत्र था पायरा मेरा भाई का लड़का, उनके पीछे ठुकराई रही थी जी। फिर वो मर गया, इन इंतकाल अपना कर लिया और मेरे को बाहर निकाला। अच्छा, जो आपने पाला था उसने आपको नहीं रखा उसके बाद? नहीं रखा, बुरा हाल, घर से निकाली लाखों के साथ मारी। आपने उसे छोटे से पाला था, बिल्कुल छोटे से? इतना का था। कितने साल का था वो? एक साल डेढ़ साल का था। सब कुछ मिल जाता है लेकिन मान नहीं मिलती। इस समय वृद्ध आश्रम भंगरोटू में 22 बुजुर्ग अपनी जिंदगी के उन कठिन दिनों को जी रहे हैं जिनके बारे में कभी उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जिन लोगों का इस दुनिया में कोई नहीं, उनके आश्रम में रहने की बात समझ आ जाती है, लेकिन जिनके परिवार वाले हैं उनका क्या कसूर? जिनके घर में कोई नहीं है उनको तो मजबूरी में आना पड़ता है, क्योंकि उनका जीवन निर्वाह नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके घर में परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, लेकिन समस्या है कि उनको खुद को रोटी खाने को नहीं मिलती, जिस कारण इनको मजबूर होके आश्रम की शर्मनाक जिंदगी को जीना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि के न्यूज़ की इस खबर को देखने के बाद कम से कम उन बेटों के कलेजे पसी जाएं जिन्होंने अपने माँ बाप को खुद से दूर करके आश्रमों की चार दीवारी में बंद कर दिया है। भंगरोटू से कैमरा पर्सन विजय के साथ वीरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। सेनाध्यक्ष जनरल बीके सिंह आने वाली 25 मई को धर्मशाला में एक दिवसीय दौरे पर आएंगे। ये जानकारी पूर्व मंत्री एवं एक्स सर्विसमैन लीग के प्रदेश अध्यक्ष मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने दी। उन्होंने बताया कि जनरल बीके सिंह को हिमाचल आने का न्योता दिया गया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। मनकोटिया ने बताया कि बीके सिंह का देवभूमि में जोरदार स्वागत किया जाएगा और उनके हाथों परमवीर चक्र विजेता और शहीद हुए जवानों के परिवारों को सम्मानित करवाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व सैनिकों की मांगों को भी प्रमुखता से रखने की बात कही। कुछ दिन पहले एक विशाल सम्मेलन समारोह आयोजित कर रहे हैं, क्योंकि जन बीके सिंह जी ने एक ऐसा स्टैंड लिया है आधार पर उन्होंने जो हेराफेरी हो रही है सरकार में, विशेषकर रक्षा मंत्रालय में, जो सौदों में जो खरीदो फरोख्त हो रही है, वहाँ जो अस्त्र शस्त्र हैं हमारे, जो उनमें हेराफेरी हो रही है और जो इस देश के लोगों को धोखे में रखा जा रहा है, यहाँ तक कि हमारी सुरक्षा जो है उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है, तो वो जो सारे पर्दाफाश जो जन बीके सिंह जी ने सेना प्रमुख ने किया है, उसकी सराहना करते हुए, उसकी कदर करते हुए हमने उचित समझा कि हम उनको यहाँ बुलाएं और हम उनको सम्मान आश्रित है
तो हम चाहते हैं कि ये सुविधा उनको भी प्रदान की जाए। और इस सम्मान समारोह में हम जितने भी परमवीर चक्र विजेता हैं, चार, एक तो ईश्वर की कृपा से अभी भी जीवित हैं संजय कुमार, उनको आमंत्रित कर रहे हैं ताकि हमारे सेना प्रमुख के कार कमलों द्वारा उनको सम्मानित किया जाए, और तीन जो इस वक्त स्वर्गवास हो चुके हैं परमवीर चक्र विजेता, उनके परिवारों को सम्मानित करवा रहे हैं। उस दिन हम जो हमारे शहीदी परिवार हैं उनकी विवाहों को भी हम सम्मानित करवाएंगे, वीर नारियों को सम्मानित करवाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके से जो ये हिमाचल प्रदेश केवल कृषि प्रधान प्रदेश ही नहीं है, सेना प्रधान प्रदेश भी है। हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को ये इज्जत दी जाए, मान दिया जाए, और इनकी जो ज़रूरतें हैं, इनकी जो मांगे हैं, उनके ऊपर केंद्र और राज्य सरकार जो है पूर्ण ध्यान दे। के न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबॉन्ड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंग मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। सतलुज मोटर्स बीते एक दशक से अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवा रहा है टाटा वाहनों की विस्तृत श्रृंखला। यही नहीं, यहाँ एक ही छत के नीचे ग्राहकों को मिलेगी व्हीकल फाइनेंस और इंश्योरेंस की सुविधा। साथ ही यहाँ उपलब्ध है व्हीकल एक्सेसरीज की वाइड रेंज। हमारे यहाँ ग्राहकों को अपने मनपसंद के वाहनों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। टाटा और फिएट वाहनों के लिए आज ही पहुँचे। हमारा दावा है बेहतर सर्विस सुविधा का, क्योंकि यहाँ एडवांस्ड मॉडर्न मशीन्स पर काम कर रहे हैं कंपनी के कुशल टेक्नीशियंस। हमारे सर्विस सेंटर में आप पाएंगे कंपनी के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स। तो आज ही पहुँचे, टाटा और फिएट के विभिन्न वाहन कर रहे हैं आपका इंतजार। सतलुज मोटर्स, NH21, लूनापानी, मंडी, हिमाचल प्रदेश। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटा केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडॉन्टिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। We provide you different forms of dance, western, punjabi, classical, contemporary, salsa and many more. Special course for ladies and couples. We also provide special theme based dance classes. For further details, please contact Kamal Academy of Media and Arts, 21-5 Palace Colony, Mandi, Himachal Pradesh. Call on 988-22-1139. हमीरपुर में मिड डे मील वर्करों ने सिट्टू के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। DC ऑफिस के बाहर किए गए इस धरना में वर्करों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार पर उनके साथ भेदभाव करने का आरोप भी लगाया। मिड डे मील वर्करों का कहना है कि उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाना चाहिए और साथ ही उन्हें सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर सभी लाभ भी दिए जाने चाहिए। इन्होंने चेतावनी भी दी है कि यदि इनकी मांगों को शीघ्र नहीं माना गया तो आने वाले समय में ये अपने आंदोलन को और भी ज्यादा तेज करेंगे। देना होगा,
हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, होगा देना होगा, वेतन वृद्धि करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। ना तो उनको नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, ना तो न्यूनतम वेतन दिया जाता है, और तो और जो वेतन दिया जाता है वो भी 4-5 महीने बाद दिया जाता है। यहाँ तक कि जो छुट्टियाँ होती हैं, छुट्टियों का भी पैसा काट लिया जाता है। आज मिड डे मील वर्कर्स यूनियन का एकमात्र उद्देश्य यही था कि हम न्यूनतम वेतन की मांग सरकार से करें। वो क्योंकि सरकार का काम करते हैं तो सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। शिक्षा विभाग की तरफ से अभी तक कोई नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए हैं, वो नियुक्ति पत्र दिए जाएँ। मिड डे मील वर्कर को जो है, जो प्रसूति के दौरान महिलाओं को जो 4.5 महीने का सरकारी कर्मचारी को बेनिफिट मिलता है, बेनिफिट दिया जाए, छुट्टियों के पैसे दिए जाएं। इस तरीके से जो मुख्यतः 6-7 तरीके की जो डिमांड थी उसको लेकर था। इससे पहले भी मिड डे मील वर्कर कई बार अपनी मांगों को लेकर डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन, डायरेक्टर एजुकेशन से मिल चुके हैं। उन्होंने एक बार कहा भी था 8 दिसंबर 2011 को कि जो भी जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट पर जो है उनको मिड डे मील वर्कर से हस्ताक्षर नहीं लिए जाएंगे, नहीं उनको रखा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट पे। मगर उसके बावजूद जो है वो स्कूलों के अंदर अभी तक जो है कॉन्ट्रैक्ट पे जो है वो साइन करवाए जा रही हैं। कुल मिला के जो मिड डे मील वर्कर की स्थिति है, इस महंगाई के दौर में 1000 रुपये में गुजारा करना बेहद मुश्किल है। इसलिए सरकार से हमारी ये जोरदार मांग है कि मिड डे मील वर्कर का वेतन जो है वो सरकार के कानूनों के मुताबिक कम से कम न्यूनतम वेतन जो है वो किया जाए, और 3300-3600 रुपये जो न्यूनतम वेतन सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है वो दिया। बीते 3 दिनों से जारी जेबीटी प्रशिक्षुओं का संघर्ष 4थे दिन में प्रवेश कर गया है। जेबीटी प्रशिक्षुओं का आरोप है कि राज्य सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है। गौर रहे कि जेबीटी प्रशिक्षुओं पर टेट परीक्षा को पास करना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसका जेबीटी प्रशिक्षु विरोध कर रहे हैं। प्रशिक्षुओं का कहना है कि अगर उन्हें अध्यापक पात्रता टेस्ट ही देना था तो उनसे जेबीटी की ट्रेनिंग क्यों करवाई गई। इन्होंने मांगे ना माने जाने तक आंदोलन को जारी रखने की चेतावनी दी है। सरकार से पिछले 1.5 सालों से नौकरी के लिए विभिन्न तरह के कार्य कर रहा है, लेकिन जब सरकार की हमारे जो कार्य हैं उन पर आश्वासन दिए जा रही हैं। हमें 1.5 साल हो गए हैं लेकिन सरकार ने अभी तक कोई भी हमारी जॉब को लेकर कोई भी कार्य नहीं किया है, सिर्फ आश्वासन देती जा रही है। और हम 1.5 साल से बिल्कुल बेरोजगार हैं और सामाजिक उपहास का विषय बन चुके हैं। अब सरकार हमें 1.5 साल के बाद कह रही है कि अब आपको टैट देना होगा, जिससे कि आप एलिजिबल होंगे तभी आप टैट देने के बाद ही आप नौकरी लग सकते हैं। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार ने हमसे 2 साल की जो ट्रेनिंग करवाई है उसमें सरकार के जो संस्थान हैं वो हमें अध्यापन के लिए एलिजिबल नहीं मानते हैं, तो उनके जो संस्थान है वो क्या, वो संस्थान पर प्रश्न उठता है कि वो संस्थान क्या 2 साल में भी हमें इस योग्य नहीं बना पाए हैं कि हम अध्यापन कार्य नहीं कर सकते। क्या हमें 2 साल की ट्रेनिंग के बाद भी सरकार हमें अध्यापन के लिए योग्य नहीं मानती, तो उन संस्थानों जो संस्थान है डाइट है उन पे ट्रेनिंग कराने का क्या फ़ायदा है। और 2 साल से सरकार जो है आश्वासन दिए जा रही है, पर अब तक जो हमें किसी भी तरह की कोई नियुक्ति नहीं मिली है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमें शीघ्र अति शीघ्र नियुक्ति दी जाए। के न्यूज में फिलहाल फिर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज। हड्डियों के दर्द से परेशानी कब तक, हड्डियों के ऑपरेशन से डर कब तक, भूल जाइए ऑपरेशन के दर्द को और इलाज करवाइए आधुनिक तकनीक ऑर्थोस्कोपी से। प्रदेश में पहली बार बिना ऑपरेशन के हड्डियों के दर्द को खत्म करने की तकनीक लेकर आया है हरिहर हॉस्पिटल। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के जाने माने ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर मिश्रा अब हरिहर हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जो दूरबीन विधि से आपकी स्पोर्ट्स इंजरी, अर्थराइटिस, ज्वाइंट पेन और हड्डियों की सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करेंगे। ऑर्थोस्कोपी विधि से इलाज करवाने पर आप कुछ ही घंटों के बाद मरीज को अपने घर ले जा सकते हैं। नई ऑर्थोस्कोपी तकनीक का जिले के कई लोग लाभ उठा चुके हैं, तो आप क्या अभी भी ऑपरेशन के दर्द का इंतजार कर रहे हैं? संपर्क करें हरिहर हॉस्पिटल, नेशनल हाईवे 21, गुटकर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। कब तक रहेंगी ये पलकें भीगी भीगी सी, कब तक रहेगी ये जिंदगी उलझी उलझी सी,
कब तक रहेगी उम्मीद धुंधली धुंधली सी। अब होगी खोज खत्म और आगाज होगा आशाओं का, क्योंकि अब आपके शहर में पहुंच चुके हैं तंत्र मंत्र के सम्राट ज्योतिष गुरु साईं जी, जो हैं गृह क्लेश, नौकरी, कारोबार में बाधा, भूत प्रेत, जादू टोना, विदेश जाना, दुश्मनों से छुटकारा, प्रेम विवाह, माता पिता को मनाना, कोर्ट कचहरी, धन लक्ष्मी तथा वशीकरण के स्पेशलिस्ट। यकीन मानिए, एक फोन आपके जीवन को खुशियों से भर सकता है। डायल करें 8627820055। सभी प्रकार के इन्वर्टर और यूपीएस इंस्टॉलेशन के साथ साथ रिपेयरिंग के लिए भी संपर्क करें नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन। हम हैं हर प्रकार की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली एक्साइड और बॉश बैटरीज के अधिकृत विक्रेता। यहाँ हर प्रकार के जनरेटर रिपेयरिंग का कार्य अनुभवी कारीगरों द्वारा किया जाता है। यहाँ मिलेगी जेसीबी ऑयल, किर्लोस्कर, डीजी सेट के रिपेयर पार्ट्स और अल्टरनेटर व मैकेनिकल पार्ट्स की पूरी रेंज। यहाँ मेंटेनेंस रिकवरी वैन की सुविधा भी है। साथ ही हम उपलब्ध करवाते हैं स्कूल बसों के लिए डेल्टा स्पीड कंट्रोल यूनिट। इन सुविधाओं का लाभ पाने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 9857592000, 9857331000। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन, नियर चौक, मंडी। We provide you different forms of dance, western, punjabi, classical, contemporary, salsa and many more. Special course for ladies and couples. We also provide special theme based dance classes. For further details, please contact Kamal Academy of Media and Arts, 21-5 Palace Colony, Mandi, Himachal Pradesh. Call on 9882-11339. रंधाड़ा स्कूल में बच्चों की दिनचर्या को अब डायरी में नोट किया जाएगा। इसके लिए स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा स्टूडेंट्स डायरी की शुरुआत की गई है, जिसका शुभारंभ एसपी मंडी अभिषेक दुल्लर ने किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि यह डायरी अध्यापक व अभिभावकों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करेगी। इसी के साथ ही स्कूल में कैरियर काउंसलिंग पर एक कार्यशाला का आयोजन भी किया गया, जिसमें बच्चों को सही कैरियर चुनने की जानकारी दी गई। अपने संबोधन में एसपी अभिषेक दुल्लर ने वहां पर मौजूद बच्चों से सामाजिक कुरीतियों से दूर रहने का आह्वान भी किया। स्कूल के स्टूडेंट डायरी का विमोचन मुख्य अधिकारी हैं, वो हमारे स्कूल में आते रहे हैं और हमारे बच्चों का पंचायत के सभी सदस्यगण स्कूल में मंडी जिला के पुलिस के प्रमुख हरियाणा के बॉर्डर के पास ही है झुंझुनू। हम देख रहे हैं रोज बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें नशे की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है, और इसमें जैसे जो बड़े लोग हैं, जो बड़े बूढ़े हैं, उनका तो ऐसा कुछ उनमें इतना चेंज लाना संभव नहीं होता है, लेकिन जो यंग जनरेशन है उसको टाइमली बता के और उसमें चेंज लाया जा सकता है। तो इसलिए किसी भी टाइप के नशे में नहीं पढ़ना है, इस बात की गांठ बांध लो, आधी सक्सेस यहीं से मिल जाएगी। आज प्रण कर लो कि ना तो मैं खुद करूंगा ना मैं किसी और को करने दूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि ना करे। और आदमी ने अपने आप को खुद को बचा लिया तो वो ही बहुत बड़ी बात है, अपनी फैमिली को बचा लिया कि वो ऐसे काम में ना पड़े वो ही बहुत बड़ी बात है, सारा समाज अपने आप ठीक हो जाएगा। के न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।